राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाव किशनराव बागड़े शपथ लेने के बाद लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हरिभाव किशनराव बागड़े ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत व्यय की जाने वाली एक एक पाई का हिसाब रखा जाएगा। आपको बता दें, बागड़े मंगलवार को राजभवन में अधिकारियों की विशेष बैठक को संबोधित कर रहे थे और तब उन्होंने ये बयान दिया था और तभी से ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बागड़े ने उच्च शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वविद्यालयों में नैक की तैयारी और रैंकिंग वृद्धि के लिए भी तेजी से कार्य करने पर जोर दिया और इसकी राजभवन स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग किए जाने पर भी जोर दिया। बागड़े का ये बयान हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। सरकार की एक एक पाई का हिसाब रखा जाएगा। राज्यपाल बागड़े ने ली विशेष समीक्षा बैठक। बागड़े बोले, असली बदलाव की कोशिश। राज्यपाल ने तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को कौशल विकास से आंकड़े में नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से समृद्ध किए जाने और राजभवन स्तर पर इसकी नियमित मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों द्वारा गांव गोद लेकर उनके विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों की भी विशेष रूप से समीक्षा की।